जय श्री राम। जैसा कि हम सभी राम भक्त जानते हैं, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे सब राममय हो गया है। राम के भक्त तो प्रभु श्री राम के जीवन को आदर्श मानते हैं, लेकिन आप भी भगवान राम के गुणों से मन को संयत करने के गुण सीख सकते हैं। भगवान श्री राम तो गुणों की खान है। उनके व्यक्तित्व में इतना कुछ है कि अगर व्यक्ति सीखे तो उसका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए उनके खास दिन पर भगवान श्री राम की पूजा के साथ उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें। भारत में राम राज्य की कल्पना इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान राम से बेहतर राजा आज तक कोई नहीं हुआ। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी दोनों ने राम राज्य की वैसे ही व्याख्या की है। भगवान श्री राम के 5 गुण आपको बनाएंगे सफल और सुखी। माता पिता का सम्मान। माता पिता हमें जन्म देते हैं और हमारी खुशी के लिए कितने त्याग करते हैं। यही वजह है कि संसार में माता पिता से बड़ा स्थान किसी को नहीं दिया गया है। हर व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो वे अपने पिता की व्यवस्था को समझ गए थे और उनका वचन ना टूटे और संसार में उनका मान कम ना हो, इसलिए प्रभु श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और 14 वर्ष का वनवास काटने वन चले गए। धैर्य की सीख। भगवान राम के जीवन में अनेकों कठिन क्षण आए। देखा जाए तो उनका पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने किसी भी पल में अपना धैर्य नहीं खोया। हर व्यक्ति को भगवान राम से धैर्य की सीख लेनी चाहिए। कर्म की शिक्षा। भगवान राम श्री हरि के अवतार थे। वो अगर चाहते तो किसी भी समस्या को सामने आने ही नहीं देते, लेकिन उन्होंने मानव रूप में कर्म किए, हर तरह के कष्ट झेले और उनका निवारण भी कर्म के जरिए ही किया। इससे यह सीखना चाहिए कि व्यक्ति सही दिशा में कर्म करके बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है। शक्ति का सदुपयोग। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे तो उनके पास अपार शक्तियां भी थी। वे चाहते तो उन्हें लंका भी नहीं जाना पड़ता और रावण का अंत भी हो जाता, लेकिन उन्होंने कभी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। सामान्य लोगों की तरह कर्म करते हुए युद्ध किया। हर व्यक्ति को प्रभु से ये सीख लेनी चाहिए कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं होता। शक्ति अर्जित करने का उद्देश्य बुराई का अंत और समाज का कल्याण करना होना चाहिए। जय श्री राम।